हे फ्रेंड्स, मैं सुबह से अभी बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए। सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया, और आगे भी आपको पता चलेगा कि सरप्राइज़ क्या है। और बने रहिए हमारे साथ सरप्राइज़ देखने के लिए। आगे ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हूँ, मैं आपको रेडी भी दिख रही हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये आज का ब्लॉग जो है वो सुबह से स्टार्ट है। ये देखिए, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और कितनी सुंदर सुबह हुई है। और यहाँ मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी की इडली। तो मैं यहाँ पर इडली को भिगा के रख दूँगी, मेरा मतलब है सूजी को भिगा के रख दूँगी। तो यहाँ मैंने सूजी में डाल दिया है दही, ये घर का बना हुआ दही है, ना ज़्यादा खट्टा है ना ज़्यादा फीका है। और ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लूँगी मैं, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इडली बैटर जैसी ही रहेगी। तो इसमें शुरू में थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखना है, क्योंकि सूजी हमारी पानी को अब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके रख दूँगी मैं। और ये मैंने चढ़ा दिया है पैन, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी चटनी। चटनी के लिए मैं मूँगफली फ्राई कर रही हूँ। तो इसे ड्राई रोस्ट ही करना है, इसमें कोई तेल की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसकी चटनी बना लूँगी। मूंगफली हमारी इधर रोस्ट हो रही है, और अब मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी अभी कर लूँगी, क्योंकि मैं रात को चना भिगाना भूल गई थी। तो ये आज मैं बनाने वाली काले चने के छोले, तो मैं गर्म पानी से इसे भिगाऊँगी, तो ये जल्दी भीग जाएंगे। तो मैं अभी भिगा दूंगी, तो ये 3-4 घंटे में आराम से भीग जाएंगे। और यहाँ पे पीहू भी उठ चुकी है, लेकिन उसका अभी मूड ख़राब है, क्योंकि वो उठना नहीं चाह रही थी। सुबह उसका ऐसा ही है, थोड़ा सा रहता है। और ये मैं उसे ब्रश दे रही हूँ करने के लिए। तो यहाँ पीहू का भी तैयारी चल रहा है, वो ब्रश कर रही है। और मैं अब किचन में मिलती हूँ आपको। मैं जा रही हूँ सीधा नाश्ता बनाने के लिए, तो पीहू को करने देते हैं ब्रश। और यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा खाने वाला सोडा, एकदम पिंच ऑफ डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा कि सोडा का टेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगेगा। और इसे मिक्स करके अब मैं इडली के बैटर में से मोल्ड में डाल दूंगी। और इसे मैंने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया है, और अब मैं इसमें बैटर को डाल के इसे लगा दूंगी स्टीम होने के लिए। यहाँ मैंने इडली को लगा दिया स्टीम होने के लिए। यहाँ साथ के साथ चटनी भी बना लूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली है मूंगफली, सिंपल सी चटनी है, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नारियल वारियल नहीं डाला है। ये बहुत टेस्टी लगती है, आप भी बनाकर ज़रूर खाएं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया, मिर्ची डाल दी है, लहसुन डाल दिया, और ये थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसका जो है चटनी तैयार कर लूँगी। और ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, इसे मैं फिर तड़का दे दूंगी। और यहाँ पर मैंने टिफ़िन जो है रेडी कर लिया है पीहू का, मैंने चटनी में तड़का दे दिया था। तो पीहू का टिफ़िन रेडी हो चुका है, पीहू भी उधर रेडी हो रही है, नहा वहा के वो आ चुकी है। यहाँ मैं उसका टिफ़िन लगा दे रही हूँ। तो आज का जो पीहू का जो टिफ़िन है वो उसमें मैंने रखा है इडली और मूँगफली की चटनी। ये काफ़ी हेल्दी भी होती है और बच्चों को पसंद भी बहुत आती है, तो आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर इसे दें। तो ये हो गया लंच तैयार पीहू का। अब ये मैं उसे डाल दूंगी बैग में। और यहाँ पीहू को भी देखिए, उसके पापा रेडी कर रहे हैं, ड्रेसेस उसे पहन ली है, आगे का फिर मैं कर देती हूँ। तो पीहू जा चुकी है फ्रेंड्स, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो है शॉर्ट्स की तैयारी कर रही थी। तो आज मैंने ये देखिए शॉर्ट्स के लिए इसे बनाया था, आप देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। तो यहाँ थोड़ा बहुत स्केच करके मैं डाल देती हूँ शॉर्ट्स के लिए। और यहाँ पे चना भी रेडी हो चुका है, देखिए भीग गया है, बिल्कुल परफेक्ट भीगा है। गर्म पानी से भिगाने से यही है कि 3-4 घंटे में चना आराम से भीग जाता है। और काले चने के जो छोले हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंने नमक डाल के इसे उबलने के लिए चढ़ा दिया है काले चने को।
इसे मैं 4 से 6 सीटी लगा दूंगी, ये आराम से पक जाते हैं। और इसे धीमी आंच पे सीटी लगाना है, तेज आंच पे नहीं, नहीं तो क्या होगा, चना पकेगा नहीं। तो इसे मैं धीमी आंच पे स्लो मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दूंगी और इसे मैं 4 से 6 सीटी ले लूंगी। और यहाँ पे मैं देखिए साथ के साथ और भी कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज ऐसा क्या है जो रेनू इतनी सारी तैयारियाँ कर रही है, तो मैं बताऊँगी आपको आगे, पर ज़रूर पता चलेगा आपको। यहाँ पे मैं चाशनी लगा रही हूँ, चाशनी भी मैंने देखिए चढ़ा दी है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी डालकर ये चाशनी को चढ़ा दिया है। यहाँ चाशनी को हम रेडी होने देंगे। ये देखिए चाशनी यहाँ उबल रही है। यहाँ पे आपको देखिए गुलाब जामुन का पैकेट दिख गया होगा, ये मैं इंस्टेंट गुलाब जामुन बना रही हूँ क्योंकि टाइम कम था और स्पेशल ओकेजन था, तो मैंने सोचा चलो आज इंस्टेंट गुलाब जामुन बना लिए जाते हैं, नहीं तो मैं खोए के गुलाब जामुन बनाती हूँ और उनकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए चने मेरे उबल चुके हैं, चना उबल गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए मसालों की तैयारी कर ली है और मैं यहाँ पे मसालों को ग्राइंड कर लूँगी। जो भी मसाले मुझे उसमें डालने, बेसिक से मसाले, जीरा, धनिया, लहसुन, मिर्च, प्याज, ये सब कुछ डालकर मैंने पीस लिया है। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, इसमें मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है। और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डालकर ये देखिए गर्म होने को रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे प्याज कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं प्याज को पीस के भी डालती हूँ, 2 प्याज मैं पीस कर डाल देती हूँ और 1 प्याज को इस तरह से मैं छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट करके डाल देती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें ऐसा डालने से। तो यहाँ ऑयल गरम हो गया, मैं इसमें मैंने थोड़े गरम मसाले डाले हैं, इसमें मैंने डाल दिया है दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा और यहाँ पे तेज़पत्ता भी डाला है और जीरा और प्याज डालकर मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और प्याज जब हमारे यहाँ से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं देखिए डाल दिया है कस्तूरी लाल मिर्च, सॉरी कस्तूरी मेथी डाली है, कस्तूरी मेथी डालकर मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने डाल दिए मसाले जो हमने पीस के रखे हुए थे, ये मैंने मसाले डालकर इसे मिक्स कर लिया है। ये मसालों को मैं भून लूँगी। और यहाँ पे मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी क्योंकि यहाँ पीहू के आने का भी टाइम हो गया था और पीहू के पापा को टाइम नहीं था लाने के लिए, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा बस स्टॉप तक। तो मैं जल्दी जल्दी काम को सारा निपटा रही थी। और यहाँ पे मसालों में मैंने ड्राई मसाले थोड़े से डाले हैं, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है मैंने और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और धनिया वगैरह मैंने साथ में ही पीस लिया था इसलिए मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला है अलग से। और ये मैं टमाटर को कट करके डाल दूंगी यहाँ पे, आप चाहें तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं बट इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके डालने से जो है छोले का, काले चने के जो छोले होते हैं वो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। आप इस तरह से ज़रूर एक बार बना कर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और काले चने के जो छोले हैं फ्रेंड, टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी होते हैं। काले वाले जो चने होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे छोले बनाने होते हैं तो मैं काले वाले चने ही बनाने की कोशिश करती हूँ। बड़े छोले के जो होते हैं उन्हें मैं कभी कभार बनाती हूँ और अमूमन यही वाले बनते हैं मेरे यहाँ। और ये मैंने नमक डालकर इसमें ढक दिया है और इसे मैं पकने दूंगी। और यहाँ पे मैं इंस्टेंट गुलाब जामुन का जो मिक्स है उसे बना रही हूँ और उसका जो ये है पाउडर वो मैं मिक्स करके इसे आटा लगा लूँगी इसका। तो इसमें बहुत ही, इसमें मैं कोई दूध वूध नहीं डालूंगी, ना ही मैं दूध डालूंगी, ना ही और कोई चीज़ डालूंगी क्योंकि ये प्रीमिक्स है तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें मिली होती है पहले से। तो इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा लगा लूंगी और पानी इसमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके डालना है वरना ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। एक आध बार मेरे से भी हुआ था इसलिए मुझे पता है कि बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल 1-1 चम्मच के तकरीबन इसमें पानी डालना है और ये बहुत जल्दी डो के शेप में आ जाता है। तो ये आटा हमारा रेडी हो चुका है देखिए। और यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल रसगुल्लों को फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखिए ये छोटी छोटी गोलियाँ तोड़ ली हैं और इसमें मैं इसमें फिलिंग भरूंगी। तो इसमें मैंने मगज की फिलिंग करी है और आप भी ज़रूर ऐसे बनाइएगा इंस्टेंट गुलाब जामुन में मगज की फिलिंग करके, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। जब ये मुंह में आते हैं ना बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने गोलियाँ देखे बना ली हैं। इसमें मैं थोड़ा सा क्या है घी को हाथ में छूते जाती हूँ, ये जो कटोरी में मैंने घी रखा है तो इससे क्या है गोलियों में क्रैक्स नहीं आते हैं। साथ के साथ यहाँ देखिए हमारा मसाला भी भून गया है, टमाटर का तेल अलग होने लगा है मसालों से। तो यहाँ पर मैंने देखिए चनों को भी डाल दिया है और चने डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे।
और इसे ढककर मैं थोड़ा सा और पका लूँगी ताकि चनों में जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे ऑयल भी हो चुका है तो यहाँ पे मैं जो रसगुल्ले हैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैं ये देख कर फ्राई कर रही थी कि कोई थोड़े से भी क्रैक्स ना हो इसमें, नहीं तो क्या है कि वो फट जाएंगे, हमारा तेल ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसलिए चेक करके डाल रही थी। और ये रसगुल्ला फ्राई हो चुका और मैंने डाल दिया इसे चाशनी में। और ये बिल्कुल ही इंस्टेंट गुलाब जामुन है, इसे आप तुरंत बना के आधे घंटे के अंदर सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बने थे, अंदर तक एकदम इनमें रस भरा हुआ था। ये देखिए एकदम माउथ मेल्टिंग रसगुल्ला बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। फ्रेंड्स, मैं सुबह से अभी बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए, सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया और मैं बिजी रह गई। मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में क्या क्या मैं कर रही हूँ और आगे भी आपको पता चलेगा कि सरप्राइज़ क्या है। और बने रहिए हमारे साथ सरप्राइज़ देखने के लिए, आगे ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हूँ, मैं आपको रेडी हुई दिख रही हूँ क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पीहू के पापा ने बोला तुम रेडी हो जाओ, कहीं चलना है, तो मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी हम पीहू का वेट कर रहे हैं, पीहू ट्यूशन से नहीं आई है, ट्यूशन से वो जैसे ही आती है तो उसे लेकर जाएंगे हम लोग और मैं आपको भी ले चलूँगी। देखते हैं, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, आपके लिए भी सरप्राइज़ है, दोनों लोग मिल के देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और बहुत मज़ा आने वाला है आपको ब्लॉग में। और कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक कहते हैं ना माइलस्टोन मेरा कंप्लीट हो गया है और धीरे धीरे इसी तरह से होता रहेगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ। पीहू आ चुकी है और हम निकल रहे हैं। देखो तो यहाँ पीहू की बातें चल रही, वो ट्यूशन से आने के बाद अपनी जो बातें वो बताती है, क्या क्या ट्यूशन में हुआ, क्या क्या मैम ने बोला, क्या उसकी फ्रेंड्स से बात हुई। तो ये हम निकल चुके हैं घर से, ये देखिए हम लोग बैठ रहे हैं कार में, अब जा रहे हैं। आई डोंट नो हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस कहा जल्दी से रेडी हो जाओ और चलो। तो फिर हम लोग देखिए निकल चुके घर से। तो ये यहाँ आने के बाद पता चला हमें कि ये देखिए यहाँ पे एक मेगा ट्रेड फेयर करके एक मेला लगा हुआ था छोटा सा ऐसा। तो ये हमें यहीं लेकर आए थे घुमाने के लिए, बोला कि चलो वहाँ पे तुम्हारे पसंद की भी काफ़ी चीज़ें आई हैं तो तुम भी चल के देख लो। तो हम आए हुए थे यहाँ पे और बहुत मज़ा आया, पीहू ने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे, उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, राइड वगैरह थी, झूला था, तो वो बहुत इंजॉय कर रही थी। और मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें ली है यहाँ से तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कप वगैरह मिल रहे थे, काफी सारी चीजें आई हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी भी चीजें थी, कुछ कुछ मैंने भी लिया था। ये मुझे कप बहुत ही पसंद आ रहे थे पर ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारे मैंने कप लिए हुए हैं तो मैंने नहीं लिए, पर पसंद बहुत आ रहे थे। ये किचन का यूज़ का सामान था, हाउस होल्ड की जो चीज़ें होती है यहाँ पे, इस तरह से देखिए नेक पीस वगैरह थे और काफ़ी चीप रेट में थे, अच्छे थे, 100-120 ऐसा करके थे ये। और ये मैं यहाँ पे जेगिंस देख रही थी पर मुझे पसंद नहीं आया कुछ खास तो मैंने लिया नहीं था। और यहाँ पे पीहू आ गई है कार राइड के लिए, तो यहाँ पीहू कार राइड कर रही है। और हम लोगों के लिए तो ये चूड़ियों की जो दुकान होती है वो सबसे ज़्यादा और अच्छा लगता है। अभी मैंने भी यहाँ से कुछ चूड़ियाँ ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मुझे जयपुरी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है, तो मैंने तो एक दो चूड़ियाँ ली थी वहाँ से। इनके यहाँ चूड़ियों का कलेक्शन भैया के यहाँ बहुत ही अच्छा था, ये जयपुर राजस्थान की चूड़ियाँ हैं
और बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ थी इनके पास, लाख की चूड़ियाँ थी और मोटे वाले जो बैंगल्स होते हैं वो थे। यहाँ पीहू भी ट्राई कर रही है, वो भी उसे चाहिए था, बोल रही थी मम्मा मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दो पेयर चूड़ियों का लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ स्लीपर्स देख रही थी जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने लिया नहीं था। दिखने में तो अच्छे थे फ्रेंड्स, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरा वगैरह का सामान उतना अच्छा नहीं रहता है। बैंगल्स वगैरह ठीक है, चल जाते हैं, वो ले लेते हैं हम, और बाकी चीज़ों में उतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं आती हैं, तो नहीं लिया था हमने। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो इसका जो असली सरप्राइज़ है वो आपको आगे वाले ब्लॉग में पता चलेगा, तो देखिएगा ज़रूर, वरना आप मिस कर जाएंगे इसको। मिलते हैं।